हेलो, मैं हूं करण बजाज। अपने 20s और 30s में मैं बहुत मूव करता रहता था, एक सिटी से दूसरी सिटी, दूसरी सिटी से तीसरी सिटी। एक हद तक वो मेरे काम के लिए इम्पॉर्टेंट था, पर मोस्टली मैं एक तरीके से लोनलीनेस सीख कर रहा था। क्यों इम्पॉर्टेंट था मेरे लिए लोनलीनेस, क्या सीखा मैं उस पीरियड से? अगर आप अभी लोनली हैं तो कैसे 3 स्टेप्स में इस लोनलीनेस को मैसिव सक्सेस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वो आज हम लोग 5 मिनट में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, IIM से ग्रेजुएट करने के बाद जब भी मुझे मौका मिलता था एक नई सिटी या फिर एक नई कंट्री में रहने का, तो मैं इमिजिएटली उसको चूज़ करता था। तो मौका मिला इंडिया से फिलीपींस जाने का, मैं चला गया। वहाँ से सिंगापुर जाने का, फिर US जाने का, US में कई सिटीज़ में रहने का, मैं हर बार चूज़ करता गया, क्योंकि एक लेवल पर मैं अकेले रहना, लोनलीनेस को चूज़ कर रहा था। उस टाइम पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों मैं वो टफ चॉइस दे रहा हूँ, क्योंकि हर जगह मैं बहुत अकेला होता था। पर अब रेट्रोस्पेक्ट में मुझे एक पैटर्न समझ आया, लोनलीनेस इज इक्वल टू सेल्फ डिस्कवरी। अगर अकेले रहते हो तो बहुत कुछ अपने बारे में पता लगता है, जिससे बहुत ऑथेंटिक लाइफ में चीजें क्रिएट करते हो। पुराने जमाने में योगीज का एक प्रिंसिपल था 4-2-1, 4 दिन से ज्यादा वो किसी सिटी में नहीं रहते थे, 2 दिन से ज्यादा वो किसी टाउन में नहीं रहते थे, 1 दिन से ज्यादा वो किसी विलेज या गाँव में नहीं रहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर 4, 2, 1 दिन से ज्यादा रहेंगे तो उनके फ्रेंड्स बनेंगे, फैमिली बनेंगे, रिलेशनशिप्स बनेंगे, और वो चाहते थे कि उनकी लाइफ बिना बैगेज और बिना किसी आइडेंटिटी के रहे, ताकि उन्हें एक स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट मिल सके। नाउ मैं स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट नहीं ढूंढ रहा था, पर मैं भी एक तरीके से अपने बैगेज से थोड़ा सा फ्री होना चाहता था, क्योंकि जब मैं इंडिया में था, अपने फ्रेंड्स के साथ था, या फिर अपने होम टाउन में था शिमला में, या फिर अपने जॉब में बॉम्बे में था, तो मेरे अराउंड फ्रेंड्स थे, फैमिली थे, करियर के मेरे लोग थे, एंड उनके थॉट्स और मेरे थॉट्स बहुत ज़्यादा कॉमन होते गए। जब फैमिली के साथ बैठता था तो वो बोलते थे कि 28 साल के हो गए हो, 29 साल के हो गए हो, शादी क्यों नहीं करते, सेटल क्यों नहीं होते। फ्रेंड्स के साथ होता था तो वो पुराने टाइप की बातें करते थे, और अपने जॉब वालों के साथ होता था तो वो पॉलिटिक्स और प्रमोशन की बात करते थे, और उनकी तरह मैं भी ये बातें सोचता था, जबकि मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट इनमें कभी था नहीं। तो जैसे अलग रहने का मौका मिला, मैं वो चीज़ें करने लगा जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी। जब फिलीपींस में रहा तो पहली बार हाइकिंग स्टार्ट करी, फिर उसके बाद राइटिंग स्टार्ट करी, फिर योगा स्टार्ट करा। जो भी मेरे लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें रही हैं, वो उस लोनलीनेस के पीरियड से आई। अगर मेरी बुक्स हैं, वो उस लोनलीनेस से आई। बिना लोनलीनेस के मैं कभी राइटिंग स्टार्ट नहीं करता, जो मेरे लिए बहुत ऑथेंटिक एक्सप्रेशन बन गया। बाद में जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग थी कि अपना स्टार्टअप खुद कर सको, वो भी इसी लोनलीनेस के पीरियड से आई। हाइकिंग, योगा, जो मेरी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, वो भी इस पीरियड से आई। तो अगर ये पीरियड नहीं होता मेरी लाइफ में, तो एवरीथिंग दैट आई वैल्यू वेरी डीपली नाउ, वो नहीं होती। तो इसलिए लोनलीनेस इज इक्वल टू सेल्फ डिस्कवरी, एंड ये बहुत प्रोफाउंड और पावरफुल चीज़ है, और उसको कभी अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो अगर आप अभी लोनली हैं और आपको बुरा लग रहा है इसका, या फिर थोड़ा डिप्रेशन फील हो रहा है, या आप काफ़ी लोगों के साथ हैं फिर भी लोनली फील करते हैं, तो ये एक्चुअली एक बहुत प्रोफाउंड और पावरफुल मोमेंट है। इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये 3 थिंग्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रही। पहला, कुछ क्रिएट कीजिए। ये बहुत पावरफुल मोमेंट है, बहुत स्पेशल मोमेंट है। आपके जो थॉट्स हैं इसके अंदर बहुत डीप हैं, इसको एक क्रिएटिव एक्टिविटी में डालें, चाहे वो एक बुक हो, या एक फिल्म हो, या एक यूट्यूब चैनल हो। ये बहुत पावरफुल होगा अगर आपने अभी इस मोमेंट में क्रिएट करा। सेकंड, मेडिटेशन। लोनलीनेस का एक नेगेटिव ये है कि आपका माइंड रेस्टलेस और नेगेटिव होता है, मेडिटेशन से बहुत ज़्यादा स्टिल होगा, एंड मैंने काफ़ी इस चैनल में मेडिटेशन के बारे में बात करा है। इस पीरियड में मुझे मेडिटेशन से बहुत ज़्यादा ठहराव मिला लोनलीनेस के पीरियड में, और नेगेटिव की जगह मैंने उस पूरे एक्सपीरियंस को बहुत पॉजिटिवली लिया। एंड तीसरा, ये याद रखे कि ये बहुत स्पेशल मोमेंट है, बहुत कम टाइम चलेगा, एंड इसको अवॉइड करने की कोशिश मत कीजिए। अगर मैं अभी देखूँ तो मेरे वाइफ हैं, मेरे बच्चे हैं, और वो लोनलीनेस का मेरे पास अभी लाइफ में स्पेस नहीं बचा, तो मैं जब भी इस पीरियड को देखता हूँ बहुत स्पेशल तरीके से देखता हूँ, क्योंकि एक बहुत छोटा और प्रोफाउंड टाइम था जिससे मेरी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करा। तो अगर ये 3 चीज़ें आप करें, क्रिएट, मेडिटेट, और एक पर्सपेक्टिव रखें कि ये छोटे टाइम के लिए चलेगा बट बहुत प्रोफाउंड होगा, तो आप ये लोनलीनेस के पीरियड को बहुत इन्जॉय करेंगे, और इसको बहुत पावरफुल थिंग्स में चेंज करेंगे जो पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट कर सकता है। तो अपना लोनलीनेस का ये पीरियड इन्जॉय कीजिए। आप कैसे डील कर रहे हैं लोनलीनेस के साथ, क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या ये अप्रोच आपके लिए यूजफुल रहा, मुझे कमेंट्स में बताइए। और आपको ये वीडियो ऑन हाउ टू कंट्रोल योर माइंड और हाउ टू ट्रेन योर माइंड टू बिकम पावरफुल भी यूजफुल रहेगा। मैं हूं करण बजाज, आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो।